हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं सभी लोग? नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं पढ़ा रहा हूं आपको गणित कक्षा 12 की डॉक्टर मनोहर हर्षरू शर्मा एनसीईआरटी पटर की अध्याय नंबर 5 है, प्रश्नावली वाली है 5E। कल मैंने 5D समाप्त की थी, तो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, देखा होगा, और साथ ही साथ अध्याय पढ़ा रहा हूँ आकलन, आप लोग देख सकते हैं। तो मैंने स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था इसमें कुछ की पॉइंट्स फॉर्मूले लिखाऊंगा, तो आप लोग पहले तो क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, इतने सारे क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, 14 से 15 नंबर तक क्वेश्चन, इतने ही आप लोग को पहले बताए जाते हैं, उसके बाद आगे दिखेंगे। तो देखते हैं, आप लोगों को शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी, तो आप वहां से उसका लाभ उठा सकते हैं। सॉरी, तो शुरू करते हैं। देखिए, आपके पास लिखा हुआ है एक लघुगणक की अवकलन। आप लोगों को थोड़ा लॉगरिथम की जो लॉग की प्रॉपर्टीज हैं थोड़ी पता होनी चाहिए, आप लोगों को जानकारी होना चाहिए उसी के बारे में, उसी से आपको ये सवाल लगाए जाएंगे। लिखा हुआ है कि यदि ऐसे फलनों का अवकलन करना हो जिसमें घातांक भी उसी चर राशि का फलन हो, अथवा वह फलन जिसका अवकलन करना हो, ठीक है, कई फलनों का गुणनफल या भागफल हो, तो ऐसे फलनों का अवकलन उनका लघुगणक लेकर ज्ञात किया जाता है। इस प्रक्रिया को लघुगणक की अवकलन कहते हैं। ये तो आपको थोड़ी सी थ्योरी है, जो आप लोग अगर कई फंक्शन दिए होंगे उनका अगर अवकलन निकालना होता तो हम कैसे निकालेंगे, तो वो हम ऐसे निकालेंगे। ये तीन आइडेंटिटीज आपको याद रखना है, इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिखा हुआ है फार्मूला log m इंटू में n बेस e, क्या होता है log m बेस e प्लस log n बेस e होता है, ये प्लस में खुलता है। फिर log m अपान n बेस e बराबर होता है log m बेस e माइनस log n बेस e होता है, ठीक है। अब देखिए थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है log m की पावर n बेस e, तो होता है n इंटू में log m हो जाता है, जो m की पावर होती है वो आगे और log m इंटू में डिवाइड में एम अपॉन एन में क्या माइनस आ जाता है, इनटू में प्लस आ जाता है। यही तीन आइडेंटिटीज का यूज करके बाकी पीछे ही जैसे आप लोगों ने किया अवकलन सेम वैसे ही करना है। तो चलो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आप लोगों के पास स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ गया, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये रहा। लिखा हुआ है निम्नलिखित फलनों का यक्ष के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो यक्स बराबर साइन वर्स एक्स लिखा है तो लिखेंगे माना वाई बराबर यक्स की पावर साइन एक्स, ये लिखा हुआ है। अब देखिए हमें यक्स की पावर साइन एक्स लिखा हुआ है, यक्स की पावर एन का तो पता है, यक्स की पावर साइन एक्स का कैसे करेंगे, तो ऐसे करेंगे, यहां लिखेंगे दोनों पक्षों पर लॉग लेने पर, तो दिया जाएगा लॉग वाई बराबर लॉग एक्स की पावर साइन एक्स। देखिए बन गया हमारे पास लॉग एक्स की पावर साइन एक्स, तो आ गया हमारे पास लॉग एक्स का मतलब एक्स की पावर एन की आइडेंटिटी लग गई, क्या लग गई, लॉग एम की पावर एन बराबर एन लॉग एम होता है, वो वाली हमारी आइडेंटिटी इस पे अप्लाई हो गई, आप लोग देख सकते हैं। तो यह आ जाएगा लॉग वाई बराबर साइन एक्स इंटू में लॉग एक्स। अब देखिए इसका अब यहां पर हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। देखिए प्रिय दोस्तों फ्रेंड्स, तो आप लोग देखिए इसके आगे अवकलन करने पर, तो अवकलन कर देंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है जी, अवकलन कर देंगे तो याद आएगा डी अपान डी एक्स लॉग वाई बराबर डी अपान डी एक्स साइन एक्स इंटू में लॉग एक्स, जी हो गया फर्स्ट फंक्शन, जी हो गया सेकेंड फंक्शन। तो ये प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन कर देंगे तो लॉग वाई का हो जाएगा हमारे पास वन अपान वाई, हम जानते हैं यक्स की सापेक्ष कर रहे हैं तो हमें पता है लॉग एक्स का तो पता है लेकिन वाई का नहीं पता है, तो जी आ जाएगा डी वाई अपान डी एक्स। ये प्रथम फलन होता है साइन एक्स इंटू द्वितीय फलन का होता है हमारे पास अवकलन,
प्लस होता है द्वितीय फलन इंटू में प्रथम फलन का अवकलन। आप लोग जानते होंगे क्योंकि प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन क्या होता है, प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम फलन का अवकलन होता है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास इसको कर लेंगे साइन एक्स इंटू में आ जाएगा लॉग एक्स का होता है अवकलन आपको पता है एक्स वन अपान में एक्स होता है प्लस लॉग एक्स साइन एक्स का अवकलन होता है हमारे पास कॉस एक्स। इसमें एलसीएम ले लेंगे जे डी वाई अपान डी एक्स बचेगा और ये वाई इस तरफ आ जाएगा मल्टीप्लाइड में जी आ जाएगा साइन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स इंटू में कॉस एक्स टोटल बटे आ जाएगा हमारे पास एक्स। अब यहाँ पे हम वाई का मान रख देंगे जी आ जाएगा एक्स की पावर साइन एक्स और जी आ जाएगा साइन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स इंटू में कॉस एक्स टोटल बटे एक्स जी हमारे पास आ गया। इसका डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स हमको जो निकालना था। देखिए जी हमें देखिए कितना आसान है, आप लोगों को मैंने बताया सिंपल तरीके से। थोड़ा आप लोग फॉर्मूले जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार दो तीन चार दिनों में हफ्ते में या वीकलीस में आप कल संडे था आप लोगों को फॉर्मूले एक बार रिवाइज कर लेते तो आप लोगों को आसानी रहती। ठीक है आप बताते हैं इसके आगे इसी का सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर जीरा लिखा है एक्स की पावर टेन एक्स ठीक है हमने फिर से माना वाई बराबर एक्स की पावर टेन एक्स दोनों पक्षों पर लॉग लेने पर फिर से लॉग ले लिया तो याद आएगा हमारे पास लॉग वाई बराबर लॉग एक्स की पावर टेन एक्स ये बन गया फिर से चूंकि लॉग एम की पावर एन क्या होता है एन लॉग एम होता है ठीक है आपका कर लेंगे एक्स के सॉरी यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा देंगे पहले लॉग वाई बराबर आ जाएगा टेन एक्स इंटू में लॉग एक्स ठीक है तो अब आ जाएगा एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन कर देंगे तो ज्यादा आएगा हमारे पास डी अपान डी एक्स लॉग वाई था और डी अपान डी एक्स टेन एक्स इंटू में लॉग एक्स तो ज्यादा लॉग वाई का होता है वन अपान वाई जो हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स क्यों क्योंकि हमें एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं ना कि वाई के सापेक्ष डी वाई अपान डी एक्स वाई का फिर से करेंगे जी आ जाएगा प्रथम फलन द्वितीय फलन प्रथम फलन टेन एक्स द्वितीय फलन डी अपान डी एक्स द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन इंटू में प्रथम फलन का अवकलन ठीक तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास वन अपान वाई डी वाई अपान डी एक्स बराबर टेन एक्स लॉग एक्स का वन अपान एक्स प्लस लॉग एक्स टेन एक्स का आपको अवकलन पता होना चाहिए क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है हमारे पास टेन एक्स का तो ये हो गया। अब इसके बाद हमें क्या वाई चाहिए तो डी वाई अपान डी एक्स एक साइड कर लेंगे जी वाई इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा जी आ जाएगा हमारे पास टेन एक्स बटे एक्स प्लस का लॉग सेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास लॉग एक्स था यहाँ पर हम वाई का मान रख देंगे जो माने थे एक्स बराबर वाई बराबर एक्स की पावर टेन एक्स दिया जाएगा टेन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स सेक स्क्वायर एक्स बटे आ जाएगा एक्स ठीक जी आ गया आपके पास क्वेश्चन ये हो गया आपके पास सेकंड नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं सेकंड हो गया। अब बताते हैं आपको थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिएगा आसानी से अच्छा लग रहा होगा आपको पढ़ने में मजा आ रहा होगा आपको ये कैसे से कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पे फिर से वही लिखा है तो इसको फिर से मानेंगे क्या मानेंगे मानेंगे माना वाई बराबर दिया जाएगा हमारे पास क्या ई टू पावर एक्स बटी साइन एक्स
फिर से ले लेंगे। अब देखिए हमें हर इन टू अंश में से इसका देखो, इसको हर इन टू अंश से भी लग जाएगा क्योंकि हमें क्या दोनों का अवकलन पता है, और हमको डायरेक्ट भी लग जाएगा। आपको लॉग की प्रॉपर्टी से लगाकर हम दिखाते हैं आपको, देखिएगा कितना आसान क्वेश्चन है। लॉग से कैसे लगेगा जी, यहां लिखेंगे दोनों पक्षों पर लॉग लेने पर, दोनों पक्षों पर लॉग लेने तो याद आएगा लॉग y बराबर लॉग e पावर x बटे साइन x, ये कैसे होगा ये हमारे पास हो जाएगा आसानी से। तो इसका हो जाएगा हमारे पास लॉग y, लॉग m अपॉन n क्या होता है, लॉग m अपॉन n होता है हमारे पास लॉग लॉग m मतलब e पावर x माइनस लॉग साइन x हो गया। जी देखिए हमारे पास प्रॉपर्टी लगा दी हमने लॉग एम अपान एन की लगा दी, लॉग एम इंटू एन प्लस में होता है, लॉग एम अपान एन माइनस में होता है, लॉग की पावर लॉग एम के पावर एन लॉग एम होता है, ठीक है। तो अब देखिए ये हो गया, अब यहाँ पे इसका क्या कर लेंगे, अवकलन कर लेंगे दोनों पक्षों पर यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये भी लिख सकते हैं या यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अवकलन कर देंगे तो याद आएगा डी अपॉन डी एक्स लॉग वाई, याद आएगा डी लॉग ई पावर एक्स डी अपॉन डी एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स लॉग साइन एक्स, ठीक है। अब हमारे पास अवकलन तो वन अपॉन इसका हो जाएगा वाई डी वाई अपॉन डी एक्स लॉग ई लॉग एक्स का क्या होता है वन अपॉन एक्स होता है इंटू ई टू पावर एक्स का हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर से कर देंगे अवकलन क्योंकि ई टू पावर एक्स का फिर से करना पड़ेगा। लॉग एक्स का क्या होता है वन अपॉन साइन एक्स, और साइन एक्स का फिर से करेंगे क्योंकि हमारे पास एक्स नहीं दिया हुआ है, ये हो जाएगा हमारा ई टू पावर एक्स का ई टू पावर एक्स ही रहता है माइनस साइन एक्स का हो जाएगा हमारे पास कॉस एक्स बटे हो जाएगा साइन एक्स, तो ये हमारे पास हो गया ई टू पावर एक्स ई टू पावर एक्स कट जाएगा जी वन माइनस कॉस अपॉन साइन का होता है हमारे पास कॉट एक्स, हमें क्या वाई चाहिए था तो ये वाई इस तरफ मल्टीप्लाइड में आ जाएगा तो ये हो जाएगा डी वाई अपन डी एक्स ज्यादा वाई, तो यहाँ पे लिखा हुआ है वाई आपके पास में, ये देखिए ये वाई इधर चला जाएगा मल्टीप्लाइड में। अब देखिए यहां से हमें वाई का मान रख देंगे जो माना था ई टू पावर एक्स बटे साइन एक्स ज्यादा आएगा वन माइनस का कॉट एक्स, ये हो गया हमारे पास डी वाई अपन डी एक्स हमारा आंसर हो गया। कितना आसान क्वेश्चन था, आप लोगों को अच्छी तरीके से बताया गया। ये था आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन, आप लोग अच्छे से देखे होंगे लगाए होंगे समझे होंगे। अब बताते हैं आपको फोर्थ नंबर क्वेश्चन, देखिएगा अपनी स्क्रीन पर ये रहा फोर्थ नंबर क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है फिर से देखिए साइन एक्स की पावर टेन एक्स लिखा हुआ है, यहां फिर से लिखेंगे माना वाई बराबर साइन एक्स की पावर 10x। अब देखिए इसको आप लोगों को बहुत आसान है, दोनों पक्षों पे फिर से ले लेंगे दोनों पक्षों पर लॉग लेने पर, जब लॉग ले लेंगे तो याद आएगा हमारे पास लॉग y बराबर लॉग साइन x की पावर 10x, तो याद आएगा लॉग y ये फिर से प्रॉपर्टी बन जाएगी 10x इंटू में आ जाएगा लॉग साइन एक्स, तो इसका अवकलन कर देंगे फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन बन जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा इसको लिख देंगे यक्स की सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स की सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स लॉग वाई बराबर डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स इंटू में लॉग साइन एक्स, इतना फर्स्ट सेकंड फंक्शन मान लिया, इसको हमने फर्स्ट मान लिया। अब अवकलन कर देंगे प्रथम फलन द्वितीय फलन का, तो ये आएगा वन अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, ये क्यों आ रहा डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि हमें लॉग वाई का पता लॉग एक्स का पता है वन अपॉन एक्स होता है ना कि एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो लॉग वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स फिर से करेंगे, इसका प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकलन लॉग हो जाएगा, हमने लिख के दिखा देते हैं साइन एक्स प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम फलन का हो जाएगा हमारे पास क्या अवकलन डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स, ठीक। अब देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है,
तो ये हो जाएगा 10x, सॉरी सॉरी थोड़ा सा पेज डिसबैलेंस हो गया, यहां से फिर से लिख लेंगे दिया जाएगा 10x का ऐसे रहेगा, साइन x का हो जाएगा 1 अपॉन लॉग x का हो जाएगा 1 अपॉन साइन x इनटू में हो जाएगा साइन x का फिर से अवकलन कर देंगे तो दिया जाएगा कॉस x प्लस लॉग साइन x, 10x का होता है हमारे पास sec स्क्वायर x, तो ये बन जाएगा हमारे पास 10x इंटू कॉट x प्लस लॉग साइन x इंटू में sec स्क्वायर x। अब देखिए बहुत आसान है, sec स्क्वायर x आ गया। अब देखिए यहां से इससे आसानी के साथ में हम यहाँ पे y ऐसे कर देंगे, ये बच जाएगा 10x अपॉन cot x हमारे कट जाएंगे बचेंगे 1 और ये आ जाएगा log साइन x इंटू में sec स्क्वायर x। इसको आगे कर लेंगे, y का मान रख देंगे, y का मान क्या मान रहते हैं साइन x की पावर 10x 1 प्लस sec स्क्वायर x इंटू में log साइन x, यही तो माने थे, यही हमें निकालना है dy अपॉन dx, ये बचा हमारे पास dy अपॉन dx, y का मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहां से। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, बहुत आसान क्वेश्चन 4 आपको बताया है। अब बताते हैं आपको फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, देखिएगा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से लगाते रहिए पढ़ते रहिए, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, सफिशियंट वीडियो है, थोड़ा सा शॉर्ट में ही, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, शॉर्ट में वीडियो अपलोड करने में डाटा की थोड़ी सी प्रॉब्लम चलती है, इस वजह से कई सारे वीडियो अपलोड करने पड़ते हैं सारी क्लास की। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, कल आपको स्टार्टिंग की जाएगी 5 नंबर से, तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए एंजॉय करते रहिए, और अगर आप लोगों ने वीडियो देखते समय अगर लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ जाते जाते अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, तो जाते जाते आप लोग क्या वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा, अच्छे से पढ़ते रहिए एंजॉय करते रहिए। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है आप हमको कमेंट में बता सकते हैं, नहीं तो आपको अबाउट में मैंने आपको वीडियो की क्या लिंक, वीडियो के व्हाट्सएप नंबर पे हमने आपको दे दिया है व्हाट्सएप नंबर, आप लोग वहां से SMS कर सकते हैं, और आप लोगों को मंडे से मैंने जैसा कि कहा था PDF भी आपको अपलोड होगी, तो आप लोग वीडियो की लिंक में देखिएगा आपको PDF जरूर मिल जाएगी, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, कल फिर मिलते हैं, बाय बाय।